नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। बहरमंडी शहर के आदित्य विहार कॉलोनी स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शाखा पर 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव पर सर्वधर्म समागम कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्म विभूषित महामंडलेश्वर चंदन प्रभा महाराजा मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भ्रम में नहीं रहे। जिस दिन ब्रह्म का घर मर्म समझ आ जाएगा उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे समझने के लिए प्लीज सॉरी और थैंक यू को अपनाएं। व्यक्ति स्वयं सुधरे तो राष्ट्र स्वतः ही सुधर जाएगा। संचालिका कुसुम बहन ने बताया कि कार्यक्रम को ब्रह्म कुमार रामलाल ने संबोधित किया और ईश्वरीय सत्य को विस्तार से समझाया। वहीं कार्यक्रम को ब्रह्म कुमारी वीणा बहन ने महाशिवरात्रि का महत्व समझाया। कार्यक्रम में पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा, वरिष्ठ पत्रकार जा जिला अध्यक्ष भगवत सिंह कुशवाहा, जिला खाद्य व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश नाहर, दर्शन सिंह होरा, रतन सिंह डेविड, आफ्ताब चौधरी आदि अतिथियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सुरेश जैन, विनय अस्तोलिया, जैन सिंह आदि अतिथि रहे। महिला जागृति मिशन अध्यक्ष संगीता जैन ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का संचालन कृष्णा बहन ने किया और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का मैं इस आदित्य विहार कॉलोनी में इस प्रांगण में स्वागत करती हूँ। हमारी संस्था के और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो बहुत दूर से हमारे बीच में पधारे हैं। आयोजित सर्वधर्म समागम कार्यक्रम में पधारे आप सभी का मैं अपनी ओर से, जिला जाट की ओर से और सेंटर की ओर से आत्मीय अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय पद्म विभूषित। नेत्रदान किसी को नई जिंदगी देने का बहुत बड़ा माध्यम है और यही कारण है कि लगातार नेत्रदान के प्रति सकारात्मक बढ़ती जा रही है। इसी तरह का परोपकार का कार्य भवानीमंडी में देखने को मिला, जब अमर प्रकाश जोशी की धर्म पत्नी एवं ऋतुराज की माताजी आशा देवी की जयपुर हॉस्पिटल में मृत्यु होने के बाद परिवारजन पार्थिव शरीर को जयपुर से लेकर भवानीमंडी आ रहे थे। रास्ते में आशा देवी के पुत्र ऋतुराज जोशी को स्वतः नेत्रदान की प्रेरणा अनुभव हुई और आपके द्वारा रात को ही 3 बजे नेत्रदान प्रभारी कमले दलाल से बात करने पर तुरंत आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के डॉक्टर कुलवंत गोड़ के द्वारा नेत्रदान प्राप्त किया गया। इस समय तक एम्बुलेंस कोटा पार करके चकपुरा गांव तक पहुंच चुकी थी। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस को वहीं रोककर डॉक्टर कुलवंत गोड़ ने जाकर एम्बुलेंस में ही नेत्रदान प्राप्त किया। विश्व वन्य जीव दिवस पर जीव दया प्रेमी राकेश जैन घसुई वाले के सहयोग से साई गौशाला व मुक्ति धाम में गर्मी को देखते हुए पक्षियों के पानी पीने के लिए 11 परिंदे पेड़ों पर बांध कर अभियान की शुरुआत की गई। सामाजिक कार्यकर्ता गणेश सालेचा ने बताया कि जीव दया प्रेमी राकेश जैन घसुई वाले पूर्व में नगर में गोपात्र रखने की शुरुआत कर चुके हैं और पशुओं के पानी पीने के लिए शहर में मुख्य चौराहों पर पानी की टंकी रखवाने का कार्य करने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में कमल शर्मा, सुनील तिवारी, शीतल जैन, दुर्गा सिंह, रणजीत सिंह, रोहित प्रजापति, विनय पोरवाल आदि उपस्थित रहे। झालरापाटन ब्लॉक के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय झालावाड़ द्वारा वर्ष 2017 में गोद लिए गए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वृंदावन का शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने विद्यालय के प्रत्येक कक्षा कक्ष में जाकर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की शिक्षा के स्तर को जांचा। उन्होंने विद्यालय के बच्चों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का बेहतर उपयोग करते हुए एक निर्धारित लक्ष्य बनाकर अच्छी पढ़ाई करें और पढ़ाई पूर्ण होने के बाद दूसरा अन्य बच्चों के लिए उदाहरण बने। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना काल में विद्यालय बंद रहने के कारण सर्वाधिक नुकसान विद्यार्थियों का हुआ है। उन्होंने अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर विद्यार्थियों की शिक्षा के स्तर पर सुधार लाने के निर्देश शिक्षकों को दिए। झालावाड़ के जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को संजीव वर्मा, नगर परिषद पार्षद द्वारा विभिन्न समस्याओं के लिए ज्ञापन देकर उनसे चर्चा की गई।
गागरोन में पुलिया निर्माण शीघ्र करवाने, देहदान के लिए मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी की नियुक्ति, दिव्यांगजन के लिए सहायक उपकरण वितरण, सार्वजनिक राजकीय कार्यालयों में रैंप व्यवस्था, अतिक्रमण में हटाई गई दुकानों के लिए दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करवाने एवं राजकीय कार्यालयों में व्यवस्था ठीक करवाने संबंधित बिंदुओं पर संजीव वर्मा द्वारा चर्चा की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनकर उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डग में भारतीय किसान संघ द्वारा डग के गोण मंडी में किसान संघ द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें अध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा, शंभू सिंह जगदीशपुरा, गोविंद सिंह मंदिरपुर, अशोक पीपलिया, रामलाल शंभू सिंह मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ तहसील पचपाड़ में कृषि उपज मंडी प्रांगण पर भारतीय किसान संघ स्थापना दिवस समारोह बड़े ही उत्साह के उमंग व जोर शोर से भगवान बलराम की जय घोष व संगठनों की नारों की गूंज के साथ मनाया गया। बैठक की अध्यक्षता पीरू सिंह मोया खेड़ा के द्वारा की गई, साथ ही विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। समारोह में नारों की गूंज के साथ ही भगवान बलराम, भारत माता और सत्य दंतोपंत टेगड़ी की प्रतिमा पर पुष्प और तिलक लगाकर दंतोपंत के द्वारा किए गए अथक प्रयासों व संगठन निर्माण के कार्यों को परिभाषित किया। 4 मार्च 1980 को राजस्थान कोटा की भूमि पर परम सद्य दंतोपंत के द्वारा भारतीय किसान संघ संगठन की नींव रखी गई और इस संगठन को मजबूती प्रदान की गई। गांव गांव घूमकर भारतीय किसान संघ की ग्राम समितियां बनाई और भारतीय किसान संघ को मजबूती प्रदान की। तहसील मंत्री बहरू सिंह ने बताया कि अध्यक्ष द्वारा भारतीय किसान संघ की स्थापना और उनके पीछे किए गए परिश्रम, त्याग और संगठन के विभिन्न आयामों, रीति नीतियों के बारे में जानकारी दी गई। संगठन के द्वारा आगे से प्राप्त आदेशों को सभी तहसील कार्यकर्ताओं व ग्राम समिति के कार्यकारिणी को बताया गया। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि की भूमिका से भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूर्व सरपंच कालूराम मीणा रहे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि मनुष्यों का आभूषण सोना चांदी ना होकर ईश्वरीय आराधना और संस्कार होते। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच कालूराम मीणा ने कहा कि हम अपने अंदर निहित बुराइयों को छोड़कर रास्ते निर्माण में अपना योगदान दें। कस्बे के ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय केंद्र से कस्बे के मुख्य बाजारों सहित विभिन्न चौक चौराहों पर रैली निकाली गई। इसी दौरान कस्बे के विभिन्न चौक चौराहों पर से रैली के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। रैली के दौरान कस्बे के सर्किल पर शहीद मुकुट बिहारी की प्रतिमा पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूर्व सरपंच ने माला पहनाकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। पिड़ाओं में आगामी 7 मार्च को विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया जाएगा। गायत्री परिवार के पुरुषोत्तम ने बताया कि श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर आदर्श मानव सेवा समिति, गायत्री शक्तिपीठ एवं सदगुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के संयुक्त तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ नयापुरा में 7 मार्च सोमवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में आने वाले रोगी आधार कार्ड लेकर आए और मास्क पहनकर आना अनिवार्य। पिड़ाओं में श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में गुरुवार रात्रि को बाबा खाटू श्याम जी के भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। नगर के मेले मैदान में आयोजित एक श्याम खाटू वाले के नाम भव्य भजन संध्या आयोजन की गई। भजन संध्या को लेकर बाबा श्याम के आकर्षक झांकी सजाएगी। आयोजन स्थल पर फ्लावर, रंग बिरंगे गुब्बारों की आकर्षक सजावट की गई। भजन संध्या में मंदसौर की प्रसिद्ध भजन गायिका अधिष्ठा अनुष्का ने कई मधुर भजनों की प्रस्तुति दी, जिन पर महिला पुरुष सोता नाचते झूमते दिखाई दिए। वहीं राकेश सोनी व नीरज भावसा द्वारा भी बाबा श्याम के मधुर भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। भजन संध्या के दौरान राधा कृष्ण नृत्य आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में बाबा श्याम के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। भजन संध्या में महिला पुरुषों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई, साथ ही पिड़ावा पुलिस ने व्यवस्था बनाने में अच्छा सहयोग किया। कार्यक्रम में भजन संध्या में पिड़ावा सहित आसपास दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मनोह थाना डांगीपुरा पर थाना क्षेत्र के पीपलिया गांव में 22 वर्षीय विवाहिता का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। पिता ने लगाया दहेज के लिए हत्या या आत्महत्या का आरोप। रिपोर्ट दर्ज करने की एवज में रुपए देने का भी लगाया आरोप। थानाधिकारी कुमार सिंह ने बताया कि विवाहिता की शादी 1 वर्ष पूर्व हुई थी। गुरुवार शाम 4 बजे के लगभग 22 वर्षीय अनोखी बाई पत्नी कमल तंवर अपने मकान के कमरे में रस्सी से फंदा पर लटकी मिली। सूचना पर मौके पर पहुंचकर शव को मनोह थाना स्वास्थ्य केंद्र लाए गए, जहाँ शुक्रवार मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मंदसौर जिले के बोलिया से आजीवन सहयोग निधि के तहत बोलिया में सहयोग निधि एकत्रित की गई, जिसे पधारे विधायक देवीलाल ढाकर,
राजे सहटियार, राजेन जैन, राजे चौधरी, दिनेश पाटीदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष उमराव सिंह, जगदीश कुआला, वरिष्ठ नेता प्रभुलाल भावसर, मनीष पाटीदार, संजय चौहान, दिनेश चंगेरिया, बालाराम दरबार, राजू भाई राठौर आदि उपस्थित हैं। मंदसौर जिले में चोरी की घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुराग सुजानिया ने चोरों को कठोरतम कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। इसी तार में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोड़ महेंद्र ताड़नेकर एवं SDOP गरोड़ फूल सिंह फरस्ते के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गांधी सागर लाखन सिंह राजपूत एवं टीम द्वारा थाना गांधी सागर आरोपी गणों कपिल पिता रामदेव मीणा, प्रीतम पिता मनोहर लाल शर्मा को 60 लीटर अवैध शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया एवं गांधी सागर के अपराध क्रमांक 18/2022 की धारा 457-380 में चोरी गया मशरू का 36 घंटे के बरामद किया गया। अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर के निर्देशन में महेंद्र ताड़नेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर एवं परमाल सिंह मेहरा नगर पुलिस अधीक्षक मंदसौर के मार्गदर्शन तथा जितेंद्र पाठक थाना प्रभारी YD नगर के कुशल नेतृत्व में विनय बुंदेला थाना YD नगर द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमरा फौज के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान मुल्तानपुरा फंटा पर नाकेबंदी कर विधिवत आरोपी कादम हुसैन खान पिता सलाम खान उम्र 40 साल निवासी ग्राम बिल्लौत थाना नाहरगढ़ मंदसौर के कब्जे से सफ़ेद रंग की मारुति सुजुकी अल्टो कार क्रमांक MP14CB4065 के नोट की दो गड्डी जिसमें ऊपर नीचे की तरफ 500 रुपये के नोट एवं बीच में 98 कोरे कागज के नोट के आकार के टुकड़े 200 रुपये का एक नोट आदि बरामद हुए। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। सागे कदम धरण में मुश्किल चाहे गणी बड़ी है, हर पल आ सरकार खड़ी है। मारे राजस्थान री, मारे राजस्थान री, हिम्मत रख दे मत घबराई, सावचेत रेणे में भलाई, इन माही रक्षा सवरी है, हर पल आ सरकार खड़ी है। मारे राजस्थान री, मारे राजस्थान री, घड़ी घड़ी हाथारी धुलाई, मुंडे माथे मास्क लगाई, राखी जे आपस में दूरी, थोड़ा दिन री आ मजबूरी, फिकर करो अब जान री, जे खांसी बुखार हुए तो अरसू को खेखार हुए तो आपे ही खुद आगे आजे, कोरोना री जांच कराजे, इन माही रक्षा सबरी है, कदम मिला सरकार खड़ी है। मारे राजस्थान री, मारे राजस्थान री, मारे राजस्थान री, मारे राजस्थान री। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको, छोड़ के माता दाऊ एक लीरा बन जारा रे, बन जारा रे रे, आ दूर देश रहे मामला अब गाओ, साहिब ने महल बनाई बन जारा रे, बन जारा रे, हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ, छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जारा। Yeah.